राधे राधे दोस्तों, देखिए मैंने ये 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाई है। ये देखिए, इसे मैंने केवल उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनाया है और इसकी मैचिंग का कैप बनाया है। इसे बनाना बहुत सरल है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो आप इसे इजीली बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने कमेंट किया था कि 4 नंबर कान्हा के लिए ये वाली ड्रेस बनाना बताएं, तो मैंने बनाई है। चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। मैं 4 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बता रही हूँ। तो मैंने ली है 11 नंबर सिलाई और ये 2 कलर की ऊन, जो आपकी पसंद हो उसके अनुसार आप ले लीजिए। अब मैं डाल रही हूँ 114 फंदे। तो फंदे हमें कैसे डालने हैं, सिंपली फंदे डालने हैं। एक ड्रेस जो मैंने 0 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई थी उसी के जैसे पूछिए, तो मैं उसी पैटर्न की बना रही हूँ। 1 2 3 4, ऐसे ही हमें 114 फंदे डालने हैं। मैं डाल लेती हूँ फंदे, फिर बताती हूँ। ये देखिए, हमने 114 फंदे डाल लिए हैं ब्लू कलर से। अब हमें कम से कम 4 सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेनी है। तो उल्टी सिलाई और ये एक्स्ट्रा धागा जो है लटका हुआ, इसको हम कट कर देंगे। जो बचा हुआ रहेगा उसको हम बुनाई में दबा देंगे इस तरह से। देखिए, हमें कम से कम 4 सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेनी है इस तरह से। एक फंदा, अब हम इसको धागे को इस तरह से अंदर करते जाएंगे। 2 3 ऐसे अंदर किया, ऐसे ऐसे हमें सारे फंदे बुन लेने हैं। ऐसे ही उल्टी उल्टी, उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधी तरफ से भी उल्टी, हमें 4 सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, हमने 6 सिलाई बुन ली हैं। 4 सिलाई हमें थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने 6 सिलाई बुन ली है। देखिए, 1 2 3 रो कंप्लीट हुई है, यानी 6 सिलाई हो गई हैं। 2 सिलाई में 1 रो कंप्लीट होती है। अब हम कलर चेंज कर लेंगे, हम उल्टी साइड आ गए हैं। अब हम पिंक कलर लगा लेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी कलर लगा लीजिए। अगर नहीं लगाना चाहते तो एक कलर में भी बना सकते हैं। देखिए, इस कलर को हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम ऊन को ज्वाइन करेंगे, इसको हम टाइट कर देंगे थोड़े फंदे को, और ये दोनों ऊन हम आगे कर लेंगे इस तरह से। इसको हम इस तरह से फंसाते जाएंगे। इसे जब तक फंसाएंगे जब तक 7-8 फंदे नहीं बुन लेते, क्योंकि अगर हम पास से कट कर देते तो ये उधड़ने का डर रहता बुनाई। इस तरह से हम बुनते जाएंगे। ये वाली सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताते हैं। देखिए, ये हमने 1 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है।
अब हम फंदे घटा देंगे। फंदे हमें तीन का एक करते हुए घटाना है, तीन फंदे साथ में बुनना है इस तरह से। फिर से हम तीन फंदे साथ में बुनेंगे इस तरह से। ऐसे ही हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है ऐसे। फिर से तीन फंदे लिए ऐसे। ऐसे ही हम सारे फंदे घटा लेंगे। चलिए घटा लेती हूँ मैं पूरे फंदे, फिर बताती हूँ। देखिए हमने सारे फंदे घटा दिए हैं। अब हमें पिंक कलर से ही कम से कम 16 सिलाइयाँ बुननी हैं उल्टी उल्टी। बुन लेती हूँ इस तरह से। हम सादा ही सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी बुनते जाएंगे सभी सिलाइयाँ। इसको बुन के लंबा कर लेती हूँ। पहले सीधा सीधा बुनना है, फिर बताती हूँ क्या करना है। इस तरह से हम सिंपली बुनते जाएंगे। बुन लेती हूँ। देखिए ये हमने पिंक कलर से 6 सिलाई कंप्लीट करनी है उल्टी उल्टी। अब हम ब्लू कलर लगाएंगे। ब्लू कलर से भी हम इतना ही बुनेंगे फिर से, और फिर अगर कम लगेगा तो फिर से हम पिंक कलर लगा लेंगे। आपको अगर कलर चेंज नहीं करना है तो ना करें। मेरे पास पिंक कलर थोड़ा सा कम है इसलिए मैं कलर चेंज करूँगी। तो मैं इतना ही 6 सिलाई हम ब्लू कलर से बुन लेंगे। कलर हमें उसी तरह से ऐड करना है। अब मैं कटनिंग करूँगी इसको, क्योंकि अभी हमें और बुनना है इस कलर से। तो इस तरह से हम कलर ऐड कर लेंगे और इन दोनों को लेके साथ में इस तरह से बुन लेंगे। इस कलर से भी हम 6 सिलाई कंप्लीट करेंगे उल्टी उल्टी, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। ये देखिए हमने 17 सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 और एक ही सिलाई में है, 17 सिलाई हो गई है। ये हमने देखिए कलर चेंज कर लिया है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, एक कलर से भी आप बना सकते हैं। अब हमने ये ऊन का धागा कट कर दिया है और जो हमारे पास बचा था उसको हमने सुई में डाल दिया है। अब हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। इस तरह से हमने नॉट लगा ली और इसको हम उल्टी साइड करते हुए और यहाँ नीचे तक ले जाएंगे। ले गए। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। देखिए ये हमने सुई में धागा डाल दिया है और ये नॉट लगा ली है हमने इसमें। ये हम इसमें एक मोती भी डाल देंगे इस तरह से। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं। इसमें भी हम नॉट लगा देंगे। ऐसे हमने नॉट लगा दी। अब हम ये फंदे इसमें उतार लेंगे सुई में। इस तरह से हम एक एक करके सारे फंदे उतार लेंगे। ऐसे ही हमें पूरे फंदे उतार लेना है इस तरह।
तो मैं पूरे फंदे उतार लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए ये देखिए, हमने सारे फंदे उतार लिए हैं। अब हम एक मोती इस साइड भी लगा लेंगे, इस तरह से डोरी हमारी डल गई है। इसमें हम एक मोती और डाल देंगे इस साइड से, जिससे हमारी ऊन अंदर नहीं जाएगी, खिसकेगी नहीं। अब हम इसमें नॉट लगा देंगे, पहले हम अंदर साइड नॉट लगाएंगे। हम उनकर कर लेंगे, एक नॉट हम और लगा देंगे। इसको कट कर देंगे। ये देखिए डोरी डल गई है। देखिए इसे आप टाइट भी कर सकते हैं और ढीला भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं पहनाते टाइम। फंदे हमने जैसे पहले डाले थे वैसे ही डालेंगे। मैं फंदे डाल देती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए ये हमने 63 फंदे डाल लिए हैं। मैं बना रही हूँ पहले टोपी, तो बना लेती हूँ। पहले हमें चार धारी मतलब 8 लाइनें उल्टी उल्टी करनी है, उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधी तरफ से भी उल्टी। टोपी में फ्रिल बनाने के लिए मैं इतना बुन लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। ऐसे ही उल्टी उल्टी सिलाइयाँ मैं बुन लूँगी, इस तरह से अपनी साइड लेते हुए, जैसे हमने घेरे में किया है ऐसे मैं सारी सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। ये देखिए हमने चार सिलाइयाँ बुन ली हैं उल्टी उल्टी ब्लू कलर से। जैसे हमने इसमें घटाए थे फंदे 3 का 1 करते हुए, वैसे ही हमें फंदे घटाने हैं। लेकिन मैं पहले उल्टी साइड आ गई हूँ, तो पहले कलर चेंज कर लूँगी, उसके बाद मैं फंदे घटाऊँगी। तो एक सिलाई में पिंक कलर को लगा के कर लेती हूँ, इस तरह से पिंक कलर ऐड कर लूँगी एक सिलाई इससे करके, फिर मैं फंदे घटा लूँगी। देखिए ये हमने कलर ऐड कर लिया है पिंक कलर उल्टी तरफ से। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, तो सीधी साइड से हमें फंदे घटाने हैं 3 का 1 करते हुए, जैसे मैंने घेरे में घटाए थे फ्रिल बनाने के लिए। क्योंकि हम ये टोपी बना रहे हैं तो टोपी में भी फ्रिल बनानी पड़ेगी। तो हमने 63 फंदे डाले थे, ये हमारे अब घटाने के बाद बचेंगे 21 फंदे। तो मैं इस तरह से 3 का 1 करते हुए घटा लूँगी सारे फंदे। उसके बाद हमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुननी हैं, कम से कम 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर बताते हैं हमें क्या करना है। उल्टा ही उल्टा बुनना है दोनों साइड से, सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा। ये घटाने के बाद बताती हूँ मैं। देखिए ये हमने कैप में 63 फंदे डाले थे, फिर से बता दे रही हूँ। तो मैंने 4 सिलाई उल्टी उल्टी बुन के फिर घटा दिए 3 का 1 करते हुए, तो हमारे पास 21 फंदे बचे। 21 फंदे हमने फिर 8 सिलाई, देखिए दो ये तो हमने घटाए थे, एक उल्टी सिलाई की थी, ये दो लाइन वो हैं, 2, 4, 6, 8, 10 दस सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी हैं। और अगर आप ये वाली भी जोड़ते हैं तो 2 सिलाई और हो जाएंगी, 12 सिलाई मान लेंगे। इस तरह से हमने ये बुन लिया है। अब हमें क्या करना है, हमने ये ऊन को कट कर दिया है, अब हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। उल्टी साइड से कर लेते हैं, नॉट लगा देंगे और ये सारे फंदे हम सुई में उतार लेंगे। जैसे हमने घेरे के में डोरी डाली थी ऐसे हमें डोरी नहीं डालना है, बस ये फंदे
उतार लेना है इसमें। ये ड्रेस बनाना बहुत आसान है, अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो भी आप इसको बना देंगे। केवल उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनाई है, इस तरह से देखिए फंदे उतार लिए हमने और हम इस तरह से निकाल लेंगे उनको। ऐसे ही हमें सारे फंदे निकाल लेने हैं। ये देखिए ये हमने निकाल लिए सारे फंदे। अभी हम इसमें नॉट लगाएंगे। पहले हम चोली बना लेते हैं। चोली के लिए हमने 24 फंदे डाल लिए हैं, 24 फंदे डाल लिए हैं। अब हम इससे दो सिलाई ब्लू, दो रो कंप्लीट करेंगे, यानी चार सिलाई ब्लू कलर से करेंगे और फिर दो पिंक से, चार सिलाई पिंक से और फिर एक सिलाई हम ब्लू कलर से और फिर दूसरी सिलाई में घटा देंगे। चलिए फिर हम बना लेते हैं इतना, फिर बताते हैं। उल्टी उल्टी सिलाई बुन लेती हूँ पहले। देखिए हमने तीन सिलाई बुन ली है इससे। अब चौथी सिलाई में हम उल्टी साइड आ गए हैं, तो उल्टी साइड से हम कलर चेंज कर लेंगे, दूसरे कलर लगाएंगे। अब हमें चार सिलाइयाँ पिंक कलर से भी बुननी है, तो मैं बुन लेती हूँ फिर बताती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कलर को दूसरा कलर ऐड कर लिया। अभी हमने ब्लू कलर को कट नहीं किया है क्योंकि हमें आगे भी दो सिलाइयाँ ब्लू कलर से बुननी है। इस तरह से हम पिंक कलर से भी चार सिलाइयाँ बुन लेंगे। इस उनको हम साथ में दबाते जा रहे हैं। चलिए मैं चार सिलाइयाँ बुन लेती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए ये हमने चार सिलाइयाँ बुन ली हैं, यानी दो रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, तो चार सिलाइयाँ हो गई हैं पिंक कलर से। अब हम फिर से फिरोजी कलर ऐड करेंगे और फिरोजी कलर से हम फिर से एक सिलाई बुन लेंगे। इसके बाद हम फंदे घटाएंगे। इस तरह से ये देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन ली है। अब हमें फंदे घटाने हैं, तो फंदे हमें सादा ही घटाने हैं। इस तरह से हम दो का एक करते हुए फंदे घटा लेंगे। ये फंदा फिर से इसी में ले लेंगे और इस तरह से हमें फंदे घटा लेंगे। चलिए मैं घटा लेती हूँ फंदे फिर बताती हूँ। देखिए ये हमने फंदे घटा दिए हैं और ये उनको कट कर दिया है। ऐसे ही हमने दो पार्ट रेडी किए हैं। इस तरह से हमारी चोली बनके रेडी है। इसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये हमने ऊन को बड़ा काटा है, इससे हम इसे सुई में डाल के और इसे यहाँ पे स्टिच करेंगे। और ये हमने जो इसमें ऊन डाल के रखी थी, तो पहले हम इसको कैप को सिलना बताएंगे। इसको हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और ये ऊन हम इस तरह से खींच लेंगे। ये खींच ली देखिए हमने, ये एकदम से राउंड शेप ले लेगा अपने आप ही कैप। देखिए अब हम इसको यहाँ पे लॉक कर लेंगे। ये हमने लॉक कर दिया। अभी हम एक बार नॉट लगाएंगे इसमें। इस तरह से हमने नॉट लगा दी। अब हम नीचे तक इसको सिल लेंगे।
इस तरह से हम अच्छे से टाँका लगा देंगे और फिर से ऊपर तरफ आके हम नॉट लगाएंगे। अब हम नॉट लगा लेते हैं। उनको हम कट कर देंगे। ये देखिए कैप बन के रेडी हो गई है। देखिए कितना सुंदर कैप बना है और शेप भी बहुत अच्छा आया है। अब हम बताते हैं चोली कैसे सिलना है। ये देखिए जो ऊन हमने ज़्यादा कट की थी इसको हमने सुई में डाल लिया है और इस तरह से मिलाते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। उल्टी साइड से भी सिल सकते हैं और सीधी साइड से भी सिल सकते हैं, क्योंकि हमने मैचिंग का ऊन ली है तो इसमें दिखेगी नहीं। इस तरह से एक फंदा हमने यहाँ से लिया और एक यहाँ से, इस तरह से हम सिलते जाएं। ये हमने इतना सिल लिया है। अब हम बैक हो जाएंगे। इस तरह से और अब हम इसको इसमें अटैच कर लेंगे। इस तरह से सेंटर मिलाते हुए हम इसमें भी टांके लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि ये जो डोरी है उसमें ना सिले, क्योंकि डोरी बांधने में दिक्कत होगी। ऐसे हम इसमें नॉट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से आप पहनाएंगे और पीछे इस तरह से बांध देंगे तो ये फ्लेक्सिबल है, एडजस्ट हो जाएगी। टाइट भी कर सकते हैं आप और खींच भी सकते हैं। देखिए बड़ी भी हो जाएगी। तो बनाइए और अपने कान्हा को पहनाइए इजीली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।